हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस क्रुएल्टी विच इज डेल्ट विद अंडर चैप्टर 20A ऑफ आईपीसी सेक्शन 498A। आज हम लोग क्रुएल्टी या क्रूरता पे चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 का में है और धारा 498A में। तो द ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड आर हिज रिलेटिव्स पे हम चर्चा करेंगे। तो ये किसी मैरिड वूमन के अगेंस्ट उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा किसी क्रुएल्टी के एक्ट के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। ये चैप्टर 20A में केवल एक सेक्शन है, 498A, और इसको इंसर्ट किया गया था क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 के माध्यम से। इसको 1983 में अमेंड किया गया, इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट के माध्यम से इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत। इस ऑफेंस के अंतर्गत एक्यूज्ड कौन हो सकता है? तो 498A आईपीसी में एक्यूज्ड हस्बैंड या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब किसी महिला के पति या उसके नातेदार हो सकते हैं। और विक्टिम कौन होगी? विक्टिम मैरिड वूमन होगी। चूंकि हस्बैंड या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड की चर्चा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 498A आईपीसी में का ऑफेंस है वो किसी मैरिड वूमन के अगेंस्ट ही कमिट किया जा सकता है, किसी अनमैरिड वूमन के अगेंस्ट नहीं। तो ये क्रुएल्टी का ऑफेंस कमिट किसके द्वारा किया जाता है? ये हस्बैंड द्वारा या उसके रिलेटिव्स द्वारा किया जाता है। और कमिट किसके अगेंस्ट किया जाता है? तो वो किसी मैरिड वूमन के अगेंस्ट किया जाता है। तो सेक्शन 498A आईपीसी ये कहता है कि अगर किसी महिला का पति या उसके पति के नातेदार उस महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं, तो उनको जो सजा दी जाएगी वो है 3 years इंप्रिजनमेंट, और वो फाइन से भी पनिशेबल होंगे। तो सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी सेज इफ द हस्बैंड ऑफ ए वुमन आर एनी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्ट वुमन टू क्रुएल्टी, दे शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 3 years एंड दे शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जो इंप्रिजनमेंट है इसका काइंड नहीं बताया गया है कि सिंपल होगा, रिग्रेस होगा, इधर डिस्क्रिप्शन का होगा, क्या होगा, और फाइन की कोई लिमिट नहीं बताई गई है। तो अगर इंप्रिजनमेंट का कोई काइंड नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आइदर काइंड का हो सकता है, मतलब सिंपल या रिग्रेस हो सकता है, और फाइन के बारे में कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। तो फाइन कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी फाइन इम्पोज कर सकता है। अब यहाँ पे जो क्रूशल वर्ड आता है वो आता है क्रुएल्टी। तो वर्ड क्रुएल्टी को डिफाइन, क्रुएल्टी वर्ड की मीनिंग दी गई है सेक्शन 498A के एक्सप्लेनेशन में। तो जो सेक्शन 498A के साथ एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, धारा 498 का के साथ जो स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि क्रुएल्टी के अंतर्गत दो तरह के कार्य आते हैं। पहला है विलफुल कंडक्ट और दूसरा है हैरेसमेंट। तो क्रुएल्टी may be committed in two ways. It may be committed by way of willful conduct or by way of harassment. अब वो willful conduct किस तरह का होना चाहिए? तो section 498A के अंतर्गत cruelty के अंतर्गत वही acts आएंगे, वही willful conducts आएंगे जो willful conducts driving woman to commit suicide, मतलब वो willful conduct, वो स्वेच्छा किया गया कार्य ऐसा होना चाहिए जो किसी महिला को suicide commit करने की तरफ ले जाए, मतलब उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, or which causes woman grave injury to her life, limb or health, health में भी physical or mental health। तो वो एक्ट ऐसा हो सकता है, वो विलफुल एक्ट कंडक्ट ऐसा हो सकता है जो ग्रेव इंजरी काज करे किसी महिला के लाइफ लिम को, मतलब उसके जीवन को या उसके किसी अंग को या उसके स्वास्थ्य को, और स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आता है। तो कोई ऐसा विलफुल कंडक्ट जो किसी महिला को सुसाइड कमिट करने के लिए प्रेरित करे या उसके लाइफ लिम या फिजिकल या मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी काज करे या उसके लाइफ लिम फिजिकल या मेंटल हेल्थ को डेंजर काज करे, वो विलफुल कंडक्ट क्रुएल्टी की मीनिंग के अंतर्गत आएगा।
दूसरा एक्ट जो क्रुएल्टी में आएगा वो है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट किसका होना चाहिए? उस महिला का होना चाहिए जो कि विक्टिम है, जिसने अपने पति या उसके नातेदारों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है। और हैरेसमेंट किस बात के लिए होना चाहिए? ये हैरेसमेंट हो सकता है फॉर प्रॉपर्टी आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो सेक्शन 498A का जो एक्सप्लेनेशन है उसका क्लास बी ये कहता है कि हैरेसमेंट विद मे बी विद ए व्यू टू कोअर्स ए वूमन टू मीट आउट एन अनलॉफुल डिमांड फॉर प्रॉपर्टी आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये किसी महिला का हैरेसमेंट हो सकता है इस पर्पस के लिए कि उसको कोअर्स किया जाए, उसको मजबूर किया जाए कि वो अपने पति या उसके नातेदारों की किसी प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब मूल्यवान प्रतिभूति के लिए जो अनलॉफुल डिमांड है, जो अवैध मांग है, उसकी पूर्ति करे। ये डिमांड उस महिला से हो सकती है या एनी पर्सन रिलेटेड टू हर से हो सकती है। तो ये डिमांड स्वयं उस महिला से हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उससे रिलेटेड है, जो उसके संबंधियों की कैटेगरी में आता है, मतलब उसकी माता हो सकती है, उसके पिता हो सकते हैं या उसके भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हैरेसमेंट हमेशा महिला का होगा, हैरेसमेंट वूमन का होना चाहिए। डिमांड क्या हो सकती है? डिमांड उस वूमन से स्वयं हो सकती है, कोअर्शन उस वूमन का हो सकता है या उसके किसी रिलेटिव का हो सकता है। तो एक बात यह है। दूसरा ये है कि उसका हैरेसमेंट इसलिए हो रहा है कि उस महिला ने किसी ऐसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड को फुलफिल नहीं किया है, या उसके नातेदार मतलब उसके रिलेटिव किसी ऐसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड को फुलफिल करने में फेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी महिला या उसके पति के नातेदारों से किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए कोई डिमांड की गई थी और उस वो महिला या उसके नातेदार मतलब माता पिता भाई बहन कोई भी ऐसी अनलॉफुल डिमांड को फुलफिल करने में फेल हो गए, उन्होंने ऐसी डिमांड को फुलफिल नहीं किया, इसलिए हैरेसमेंट हो रहा है। तो हैरेसमेंट हो सकता है डिमांड के पहले भी, या डिमांड पहले की गई थी और फुलफिल नहीं की गई इसलिए हैरेसमेंट हो रहा है, या हैरेसमेंट इसीलिए किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में किसी ऐसी डिमांड को फुलफिल करे। तो ये दोनों तरह के हैरेसमेंट जो हैं वो क्रुएल्टी की मीनिंग के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था, कंप्लीट होता है इस पॉइंट पे। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाकर आप इसका पीडीएफ नोट्स देख सकते हैं। आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और ये आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए, और अन्य लोगों के साथ शेयर भी करिए। ये हमको मोटिवेट करने का काम करता है और ये शो करता है कि हम राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।